राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम राष्ट्र के प्रतीक। हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई पहचान अवश्य होती है, जैसे उसका नाम, उसकी पोशाक, उसकी भाषा, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक देश का है। इसी प्रकार प्रत्येक देश की भी अपनी पहचान होती है। उस देश का झंडा, उस देश का राष्ट्रीय गान और उस देश का राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की राष्ट्रीयता की पहचान कराते हैं। इन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। हमारे तिरंगे झंडे को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये भारत का झंडा है, क्योंकि ऐसा झंडा किसी और देश का नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और एक स्वतंत्र राष्ट्र की भांति हमारे देश का अपना झंडा है तिरंगा, अपना राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। भारत में हम किसी भी प्रदेश में रहते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, सभी इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं। ये प्रतीक हमें एकता और देशभक्ति के सूत्र में बांधते हैं। इनकी पवित्रता और सम्मान बनाए रखना हमारा पहला कर्तव्य है। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान है। आज हम इस कार्यक्रम में झंडे के बारे में बात करेंगे। ये झंडा देश के लिए त्याग, बलिदान, साहस और तपस्या की कहानी कहता है। आजादी की लड़ाई इसी तिरंगे झंडे के नीचे लड़ी गई थी। ये तिरंगा हमारी आजादी के संघर्ष का प्रतीक बन गया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, गाते गाते हजारों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन इस झंडे को नीचे नहीं होने दिया। आज भी प्रत्येक भारतवासी को ये झंडा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारे तिरंगे झंडे में तीन रंग की बराबर बराबर पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी और बीच में सफेद रंग की पट्टी होती है। सफेद पट्टी के बीचों बीच समुद्री नीले रंग का अशोक चक्र होता है। झंडे के तीनों रंग हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। केसरिया रंग उत्साह, त्याग और वीरता का प्रतीक है। पहले समय में केसरिया बाना पहनकर लोग युद्ध करने जाया करते थे। वीर शिवाजी का ध्वज भी केसरिया था। सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग उत्पादन, खुशहाली और सुख समृद्धि का प्रतीक है। तीनों रंग हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं कि हमारा भारत वीरों का देश है, पर वो किसी देश पर आक्रमण करने में विश्वास नहीं रखता, वरन शांति, त्याग और भाईचारे की भावना में विश्वास रखता है। झंडे की सफेद पट्टी में जो चक्र बना है वो गति और प्रगति का चिन्ह है, जिसका अर्थ है बराबर आगे बढ़ते जाना।
तिरंगा झंडा आयताकार है, यानी तीन हिस्सा लंबाई और दो हिस्सा चौड़ाई। बच्चों को ऐसी स्लेट, कॉपी या किताब दिखाएं जो आयताकार हो और तिरंगे झंडे की आकृति बनाने का अभ्यास करवाएं। इस आयताकार आकृति में तीन बराबर बराबर पट्टियां बनवाएं और उनमें झंडे के रंगों को भरवाएं। सबसे ऊपर वाली पट्टी में केसरिया रंग, नीचे वाली पट्टी में हरा रंग और बीच वाली पट्टी में सफेद रंग। यहां एक बात बच्चों को स्पष्ट कर देनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत के तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, किंतु आजादी की लड़ाई के समय जिस तिरंगे से हम सब प्रेरणा लेते थे उसके बीच में चरखे का चिन्ह था, क्योंकि गांधी जी को चरखा बहुत प्रिय था। उनके विचार में चरखे पर सूत काटकर हर भारतवासी आजादी की लड़ाई में हाथ बटा सकता था। चरखा गरीबों की जीविका का साधन था। चरखा निरंतर प्रगति और ग्रामीण विकास का प्रतीक था। इन सब से बढ़कर विदेशी कपड़ों के बदले गांधी जी अपने देश में बना खादी पहनना पसंद करते थे, क्योंकि इसका पैसा देश में ही रहता था, जबकि विदेशी कपड़ों के द्वारा देश का पैसा विदेशों में चला जाता था। आजादी मिलने के बाद जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, तब झंडे के बीच में चरखे के स्थान पर अशोक के धर्म चक्र को ग्रहण किया गया। इसका एक कारण था, प्रायः झंडे के एक तरफ अंकित चिन्ह दूसरी तरफ के चिन्ह से मेल खाना चाहिए, वरना ये नियम के विरुद्ध हो जाता है। चरखे के समय यही समस्या थी। एक तरफ अंकित चरखे का पहिया और तकवे की स्थिति दूसरी तरफ उल्टी हो जाती थी, अर्थात पहिए की तरफ तकुआ और तकवे की तरफ पहिया आ जाता था। इसलिए बहुत सोच विचार कर चरखे का पहिया ले लिया गया और बाकी हिस्सा छोड़ दिया गया। पहिया कैसा हो, इस पर जब विचार किया गया तो ध्यान अशोक स्तंभ के चक्र पर गया। ये चक्र भारत की प्राचीन संस्कृति की निशानी है, जिसे अशोक का धर्म चक्र कहते हैं। बच्चों को दोनों प्रकार के झंडे दिखाकर इस स्थिति को भली प्रकार विस्तार से समझाएं। हमारा तिरंगा झंडा प्रायः खादी का होता है। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। अतः हम जब चाहें जैसा चाहें इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके उपयोग के कुछ नियम हैं, जैसे झंडे को फहराते समय केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज अन्य ध्वजों में सबसे ऊपर और दाईं ओर होना चाहिए। परेड में जब झंडा ले जाया जा रहा हो तो वो या तो सबसे आगे हो या परेड के दाईं ओर होना चाहिए। अगर पहली पंक्ति में अन्य झंडे भी हैं तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बीचों बीच होना चाहिए। झंडे को कभी भी लिटाकर या पड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज केवल विशिष्ट सरकारी भवनों पर ही
फहराया जाता है, जैसे सचिवालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को इसके प्रयोग पर छूट होती है। व्यवसाय आदि के लिए इसका उपयोग कानून के विरुद्ध है। दिन में कितनी ही देर झंडा फहराता रहे, पर सूर्यास्त के समय इसे अवश्य उतार लिया जाना चाहिए। अगर किसी समारोह में झंडा फहराया गया हो तो वो सदैव भाषणकर्ता के पीछे उसके सिर से बहुत ऊपर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समारोह और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो भी देश भाग लेते हैं उन सभी देशों के झंडे फहराए जाते हैं। नियम के अनुसार ऐसे अवसरों पर जिस देश में ये खेल या समारोह होते हैं उस देश का झंडा सबसे पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे अंत में उतारा जाना चाहिए। कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण अवसरों पर ही राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा फहराया जाता है। किसी विशेष अवसर पर विशेष व्यक्ति के द्वारा ही झंडा फहराया जाता है तथा इसके फहराए जाने के साथ साथ राष्ट्रीय गान भी अवश्य गाया जाता है। अतः जब झंडा फहराया जा रहा हो तो सबको सम्मानपूर्वक सीधे खड़े हो जाना चाहिए। कभी कभी बच्चों ने देखा होगा कि झंडा आधा झुका होता है। जब कभी झंडा आधा झुका हो तो इसका अर्थ है कि कोई राष्ट्रीय शोक की बात हो गई है। इसी तरह स्मृति दिवसों पर भी सूर्योदय से दोपहर तक झंडा आधी ऊंचाई पर और दोपहर से सूर्यास्त तक पूरी ऊंचाई पर फहराया जाता है। इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश की और देशवासियों की शान है, उनकी पहचान है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने तिरंगे की रक्षा करें और सम्मानपूर्वक इसका उपयोग करें, क्योंकि झंडे को सम्मान देना देश को और अपने आप को सम्मान देना है। हमारी आज़ादी का प्रतीक तिरंगा सचमुच हम सबका बहुत प्यारा है। राष्ट्र के प्रतीक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शशि शर्मा, वाचिका गजाला अमीन, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, प्रस्तुति अजीत गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।